आता है टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, है ना। तो हम लोगों ने टिश्यू पढ़ चुके थे हम लोग कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, तो वो पढ़ना था वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल क्या होता है भैया, जाइलम और फ्लोएम के कम को कंबाइनली हम लोग क्या करते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसको कंबाइंड फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल कहते हैं, तो ये वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वह प्लांट में कितने टाइप्स का होता है, मतलब कि प्लांट के रूट में, स्टेम में, उसके है ना मोनोकार्ड के रूट में, मोनोकार्ड के स्टेम में, जो जाइलम और फ्लोएम है उसका अरेंजमेंट किस टाइप का है, हम लोग को यही पढ़ना है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, है ना। तो जब अरेंजमेंट की बात आती है या टाइप की बात आती है वेस्कुलर बंडल की, तो हम लोग देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। पहला जो होता है उसका नाम होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल। दूसरा जो होता है उसका नाम क्या होता है, कंजॉइंट, क्या होता है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। और थर्ड होता है कंसेंट्रिक, क्या होता है, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ये थ्री टाइप्स होते हैं। इसमें पहला जो होता है उसका नाम क्या है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है, हमने क्या कहा कि भैया आपका जो स्टेम होगा या रूट होगा, जिसमें जो भी होगा उसमें वेस्कुलर बंडल क्या होगा, का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो यहां पर इन केस ऑफ रेडियल वेस्कुलर बंडल यहां पर क्या होगा कि जो आपका जाइलम और फ्लोएम होगा, ठीक है, जो आपका जाइलम और फ्लोएम होगा वह अल्टरनेट, यानी एक के बाद एक, फॉर एग्जाम्पल इसे यहां पर ये फ्लोएम हो गया, इसके बगल में यहां पर जाइलम होगा, ठीक है, इसके बगल में फिर क्या होगा, फ्लोएम होगा, फिर क्या होगा, जाइलम होगा, फिर क्या होगा, फ्लोएम होगा, इसके बगल में क्या होगा, जाइलम। तो कहने का मतलब यह है, यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट हो, क्या हो, जाइलम और फ्लोएम जब दोनों अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट हो, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल का, क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल नाम ही देखो, रेडियल, रेडियस से, कि जब आपके स्टेम में या रूट में उसके सेंटर पार्ट में जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस में पाया जाता है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। और यह किसमें पाया जाता है, तो याद रखना रूट में, कहां पाया जाता है, रूट, चाहे वह मोनोकार्ट हो चाहे डाइकार्ट हो, सबके रूट में कैसा वेस्कुलर बंडल पाया जाता है भैया, रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, ये हो गई बात। दूसरा देखिए क्या है, कंजॉइन, क्या है, कंजॉइन। देखिए कंजॉइन का क्या मतलब होता है, जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में प्रेजेंट हो, इस तरीके से एक ही साथ प्रेजेंट हो, इस तरीके से एक ही साथ प्रेजेंट हो, एक ही रेडियस में हो, आधे दूर जाइलम हो आधे दूर क्या हो, फ्लोएम हो, इसे इनर क्या है, जाइलम, आउटर क्या है, फ्लोएम है। तो जब दोनों एक ही रेडियस में प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, कंजॉइन, क्या कहते हैं, कंजॉइन। अब कंजॉइंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलैटरल, क्या होता है, कोलैटरल, और दूसरा होता है बाइकोलैटरल, बाइकोलैटरल, ठीक है। कोलैटरल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, कंजॉइंट, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कंजॉइंट। तो यदि एक जाइलम हो और एक फ्लोएम हो, एक क्या हो, फ्लोएम हो, उसका क्या हो, जाइलम, उसे क्या कहेंगे, कोलैटरल। अब बाइकोलैटरल में क्या होगा कि भैया आपका एक ही जाइलम होगा, सेंटर में एक जाइलम होगा और उसके अपर एंड लोअर साइड क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। तो जब जाइलम और फ्लोएम दोनों, मतलब कि जो फ्लोएम क्या हो दोनों तरफ हो और जाइलम क्या हो बीच में हो, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को कहा जाएगा क्या, कंजॉइंट बाइकोलैटरल, क्या कहा जाएगा, कंजॉइंट बाइकोलैटरल। और इसमें बीच में, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम, क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम, यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, समझ बात नहीं, क्यों होगा। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, कोलैटरल,
अब कोलेट्रल में देखेंगे आप कि दो टाइप होता है, एक होता है ओपन और दूसरा क्या होता है क्लोज। क्लोज ओपन में क्या होगा भैया कि इस तरीके से है, यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होगा कैम्बियम। अगर बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे ओपन, क्या कहेंगे ओपन। यदि जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा कैम्बियम प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे ओपन, और यदि कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा क्लोज। यदि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो क्या कहलाएगा क्लोज वैस्कुलर बंडल कहलाएगा। और याद रखना कंजॉइंट कोलेटरल और ओपन, कंजॉइंट कोलेटरल और ओपन वैस्कुलर बंडल कहां पर आता भैया आपके डाइकार्ट के स्टेम में, कहां पर आता है डाइकार्ट के स्टेम पाया जाता है ठीक है। यहां तक कि साइकस होता है पाइनस होता है यानी जहां पर भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा, क्या मिलेगा सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा वहां पर कैसा वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा भैया कंजॉइंट कोलेटरल और ओपन। और जहां पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मोनोकार्ट स्टेम वहां मिलेगा कंजॉइंट कोलेटरल और क्लोज, क्या मिलेगा कंजॉइंट कोलेटरल और क्लोज वैस्कुलर बंडल मिलने वाला है। समझने बात नहीं क्लियर हो गया। अब स्टेम में, हाँ स्टेम में रूट में हमेशा यही पाया जाएगा रेडियो वैस्कुलर बंडल, रूट में हमेशा क्या पाया जाएगा रेडियो चाहे मोनोकार्ट हो जाए डाई। थर्ड आता है कंसेंट्रिक, क्या आता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि जब सेंटर में सिचुएटेड हो इस तरीके से, एक के अंदर एक हो इस तरीके से, तो जब सेंटर में सिचुएटेड हो उसे कहा जाए कंसेंट्रिक ठीक है। इसमें भी कितने टाइप होते हैं भैया टू टाइप्स के, कौन कौन ठीक है। अब यह जो कंसेंट्रिक होगा ये कितने टाइप्स होंगे भैया टू टाइप्स होगा। पहला हो जाएगा एम्फीक्राइबल, क्या होगा एम्फीक्राइबल ठीक है ट्राइबल, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या इसी को हम लोग कहेंगे हाइड्रोसेंट्रिक, क्या कहेंगे हाइड्रोसेंट्रिक। दूसरा होता है एम्फी, एम्फी वेसल होगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे लेप्टो, क्या कहेंगे लेप्टोसेंट्रिक कहेंगे, क्या कहेंगे लेप्टोसेंट्रिक। देखिए हाइड्रो मतलब क्या होता है हाइड्रो मतलब होता है वाटर ठीक है ना, तो ऐसा टिश्यू जो वाटर कंडक्शन करता होगा, और सेंट्रिक मतलब क्या प्रेजेंट होगा सेंटर में, तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर कंडक्शन कौन करता है भैया जाइलम, समझ में बाई क्या हो जाएगा फ्लोएम। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल कहा जाए क्या एम्फीक्राइबल या हाइड्रोसेंट्रिक ठीक है। और उसका क्या होगा भैया लेप्टो, लेप्टो मतलब क्या होता है जो फूड को कंडक्शन करे, और कहाँ प्रेजेंट होगा सेंटर में, तो फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा सेंटर में, समझ में बाई जाइलम। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम लोग क्या कहेंगे आपका लेप्टोसेंट्रिक ठीक है। तो कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल यही दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल। क्लियर हो गया, समझ में बात नहीं है तो यही था बस ठीक है।